नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज। गायत्री परिवार गांव गांव चलाएगा व्यसन मुक्त अभियान। बेलारी में खुलेगा गायत्री परिवार का कार्यालय। नगर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित श्री राम मैरिज होम में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री परिजनों ने पूज्य पंडित गुरुदेव श्री राम आचार्य जी के सप्त आंदोलनों में से व्यसन मुक्ति अभियान, गृह गृह गायत्री यज्ञ, मृतक भोज को बंद करने आदि विषयों पर गोष्ठी का आयोजन हुआ और साथ ही समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास व रूढ़िवादिता पर विस्तार से चर्चा की गई। मिशन द्वारा युवाओं को अवगत करा, भ्रांतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाने पर सहमति बनी। नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश चंद्र गुप्ता ने गायत्री परिवार के कार्यालय के लिए भूमि तथा समाज सेवी विजयपाल सिंह राघव ने कार्यालय निर्माण हेतु 11,000 रुपए का दान देने का भी संकल्प लिया। रविवार को आयोजित गोष्ठी में पूर्व कुमारी सजल राघव ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की तथा स्वास्थ्य को बिकार रहे फास्ट फूड पर स्वनिर्मित कविता सुनाई, जिससे सभी ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। अखिल भारतीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि शक्ति माँ गायत्री शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया तथा गायत्री महामंत्र की सामूहिक जप साधना की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया। आगे इस अभियान से युवाओं को जोड़कर उन्हें व्यसन मुक्त बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। आज इस अवसर पर राम सिंह यादव, सुरेचंद गुप्ता, विजय पाल सिंह राघव, दयाशंकर गुप्ता, गायेंद्र उपाध्याय, सुखवीर सिंह यादव, मिथिलेश श्रीवास्तव, गीता राघव आदि सहित अनेकों ने भाग लिया। मेरे विचार से मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तीन चार काम या पांच छह कार्य जो है उन्हें हमें करना है कि हम पांच योजनाएं या छह योजनाएं लेकर चले। पहला है हमारा गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का परिचय, वो कैसे पहुंचावे, साहित्य द्वारा पहुंचावे, मंत्र लेखन का क्रम इनके बहुत है पहुंचाने का साधन, ये हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है। उसके साथ साथ में मंत्र लेखन की कोशिश जो हर गांव में हर समय होनी चाहिए हर व्यक्ति, और ना ही और बाकी दिक्कतें आती है, हम ऑफिस में कर सकते हैं, रास्ता चलते कर सकते हैं, घर में बैठे हुए कर सकते हैं, तो मंत्र लेखन हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब ये पांच या छह चीज़ें, और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संस्कार मेरे विचार से अपने मैं परम पूज्य गुरुदेव की जब वाणी को हमने सुना है और पढ़ा है तो संस्कार पहली सीढ़ी संस्कार की है। अगर हम संस्कारित होंगे तो देव कार्य को करने के लिए और देव यानी सतयुग को संभालने के लिए तभी तैयार हो सकते हैं, और अगर हम संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और ये हमसे ज़्यादा भार जो है हमारी बहनों के कंधों पे है, क्योंकि ये जाने के बाद में ये हर महिला से मिल लेंगी, हर बेटी से मिल लेंगी, हर बहन से मिल लेंगी, और मिलने के बाद में ये संस्कार के लिए प्रेरित कर सकती हैं और करना चाहिए। मेरा तो यही है, इस 10 साल के जीवन काल में 2 साल तो ऐसे निकल गए, फिर यादव जी से भेंट हुई,